यार शूज ना एक ऐसी चीज़ है जितनी भी खरीद लो उतने कम लगते हैं, और जितना भी देख लो उतना और मंगाने का मन करता है। बट हमारे साथ हमेशा दो चीज़ें होती हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे कोई भी अदर आइटम, हम वो चीज़ पसंद करते हैं, हम वो मंगवाते हैं और हम इतनी पहनते हैं कि फट जाती है जो चीज़ हमने खरीदी। सेकेंड हमारा क्या होता है कि हम चीज़ पसंद करते हैं, मंगवाते हैं और वो पहनते ही नहीं हैं, चाहे कोई ओकेजन आ गया या फिर कहीं हमें जाना पड़ गया या फिर वो हमारे काम की ही नहीं हुई। तो भाई सेकंड चीज़ से बचना है ना आपको, मेरे साथ तो बहुत होता है और बहुत पैसे और टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आपके साथ भी ये ना हो। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज, आई एम यश शर्मा फ्रॉम रोड टू एस, एंड गाइज आज की वीडियो होने वाली है हमारा शू बाइंग गाइड। बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि आप ऑनलाइन तो देख लेते हैं कौन सा स्नीकर बेस्ट है, कौन सा शू बेस्ट है, बट आपको कौन सा खरीदना है वो आप उस समय नहीं सोचते। तो आज की वीडियो एंड तक देखना, पैसे और टाइम बचने वाले हैं। सो गाइज फर्स्ट चीज़ आ जाती है हमारा बजट। गाइज हमेशा बजट ना हमारे दिमाग में होता है, चाहे हमें कुछ भी खरीदना हो। एंड वाइल बाइंग शूज़ ना बहुत ज़्यादा हमें टाइप्स मिल जाते हैं कि हम इस प्राइस रेंज में खरीद सकते हैं, और वही हमारे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका बजट क्या है, उसके बाद गाइज आपको देखना है आपको क्या टाइप ऑफ शूज चाहिए। अगर आप अंडर 1000 देख रहे हैं तो गाइज हमेशा स्नीकर्स ही लेना है। अगर आप सोच रहे हैं अंडर 1000 यार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लोफर्स भी मिल रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे बूट्स भी मिल रहे हैं, हमेशा बेकार चॉइस होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, कंफर्टेबल नहीं होंगे, ना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अंडर 1000 हमेशा लो टॉप स्नीकर्स ही आते हैं। उसके बाद आपके बजट बढ़ा 2000 पे आए तो आप लोफर्स अच्छे ले सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग चल सकते हैं। देन गाइज आप 3000 पे आए, उसके बाद गाइज आप स्नीकर्स बहुत अच्छे ले सकते हैं, उसके साथ साथ गाइज आप लोफर्स बहुत अच्छे ले सकते हैं। देन गाइज आ जाती है हमारी बूट्स की कैटेगरी जो आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट वो आपका शू अच्छा आएगा, ये मत सोचना कि सस्ते में बहुत अच्छी चीज़ दे दूंगा। अगर 1000 है तो स्नीकर्स आर द बेस्ट ऑप्शन आपका। गाइज आजकल बहुत ज़्यादा लोग सेमी फॉर्मल्स पे बहुत वेयर करते हैं, कैजुअल किंग तो हमारा शुरू से है ही। देन गाइज सेकेंड चीज़ आ जाती है गाइज हमारा प्रायोरिटीज, पर्पज़ भी बोल सकते हैं इसको। गाइज आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप अभी जॉब या फिर इंटर्नशिप आपकी लगने वाली है या फिर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आपके पास स्नीकर्स नहीं है, बट आपको क्या लेना है, जॉब के अकॉर्डिंग देखना है कि मैं जॉब पे क्या वेयर कर सकता हूँ। तो वहाँ पर स्नीकर्स तो चलेंगे नहीं, तो हम क्या वेयर करेंगे या क्या खरीदेंगे हम लोग, हमारे फॉर्मल शूज़। और वो कौन से होते हैं, हमारे डर्बीज, ऑक्सफोर्ड्स, लोफर्स, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले खरीदेंगे फॉर्मल शूज़, देन गाइज हम खरीद सकते हैं अपना जो रिकमेंड जो हमारा बाद में हमारा मन है वो। इफ़ गाइज आप कॉलेज में हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने के लिए कुछ, तो स्नीकर ज़्यादा बेस्ट। देन गाइज ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो जैसे आप ट्रैक करने जा रहे हैं, आप नॉर्मल बाहर ऊपर क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, तो गाइज ऐसे टाइप के लिए हमारा रॉक क्लाइंबिंग बूट्स होते हैं, ट्रैकिंग बूट्स होते हैं। तो एज पर योर प्रायोरिटीज आपको लेना है, ये ना हो कि आपके दिमाग में बैठ गई कि यार सिर्फ स्नीकर्स ही हर जगह चलते, नहीं। आपको प्रायोरिटीज हमेशा दिमाग में ध्यान रखना कि उस टाइम के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है। गाइज थर्ड चीज आ जाती है हमारा पर्पस, जिसको आप बोल सकते हैं एड ऑन्स। गाइज बेसिकली आपने ऊपर दो पॉइंट्स में अपने शू सेलेक्ट कर लिए, अब इसके साथ गाइज एड ऑन्स भी तो करा सकते हैं ना। जैसे हमने ऊपर कोई भी शू सेलेक्ट करा बट हमारी हाइट थोड़ी छोटी है, तो हम हील वाले शूज ले सकते हैं, उनमें एक दो इंच की जिसमें हील हो, इससे हमारी थोड़ी पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट भी होगी, हाइट बड़ी लगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। हमने ऊपर शूज़ पसंद करा बट हमें उनमें स्टैंड आउट कराना है, दूर से हमें बंदे को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बंदे को एकदम नजर आनी चाहिए कि यार ये कौन है, तो अलग कलर का शू ले सकते हैं, ऑड कलर का, जैसे रेड हो गया, मल्टी कलर शूज़ हो गए, दूर से स्टैंड आउट कराएंगे, अटेंशन ग्रैब करेंगे। या फिर हमें ऐसा शू चाहिए जो यार पार्टी वेयर के लिए ही स्पेशली बना हो, नॉर्मली कहीं कैजुअल या फिर मीटिंग के लिए ना बनाओ, तो हम एक पार्टी वेयर शू ले सकते हैं। तो गाइस एड ऑन्स करेंगे शूज़ में, देखेंगे हमारे पास क्या पसंद आया और उसमें एड ऑन से वो नॉर्मल शू और ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा। अब गाइस आता है हमारा मटीरियल्स। आपने शूज़ पसंद कर लिए, आप लेने चले गए वहाँ पर, गाइस मोस्टली आपको तीन टाइप्स के शूज़ का मटीरियल मिलेगा आपको। फर्स्ट होता है लेदर, देन गाइज आ जाता है हमारा सिंथेटिक लेदर जैसा आपने पीयू वगैरह होता है, देन गाइज आता है हमारा स्वेड। ये गाइज आप बेसिकली कोई भी शॉप ओनर या जो आपको दिखा रहा होगा, आपको अटेंड कर रहा होगा, वो बताएगा। तो आपको गाइज उससे पूछना है, देखना है सबसे ज़्यादा जो हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो चलता है सबसे ज़्यादा, और गाइज जो मतलब एक तरीके से इस टाइम आपको वेयर ही वेयर करना चाहिए और एक होना ही चाहिए, वो हमारा लेदर। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होता है, अटेंशन ग्रैब करता है, प्रीमियम फीलिंग आती है हमेशा एक लेदर शू में। तो गाइज थोड़ा डाउनसाइड भी होती है, केयर रखनी पड़ती है, एक्सपेंसिव भी होता है। देन गाइज आ जाता है हमारा पीयू लेदर जो हमारा होता है सिंथेटिक वाले जो होते हैं, उसमें बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं। उसमें गाइज क्या होता है, थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, आपका केयर इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, दूर से लेदर जैसा ही लगता है बट
क्वालिटी वो वाली नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सो आपको ध्यान रखना है, बजट नहीं है तो पीयू मतलब सिंथेटिक वाला ले सकते हैं। देन गाइस आ जाता हमारा स्वेड। सबसे ज़्यादा केयर की इस टाइप ऑफ मटेरियल में ज़रूरत होती है, तो हमेशा जब भी ले रहे हैं ध्यान रखना है आपको इसमें बहुत केयर की ज़रूरत होगी। कंफर्टेबल होता है, स्टाइलिश होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये भी होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है, बट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको मटेरियल चाहिए शूज़ खरीदने से पहले। कैजुअल चाहिए तो हमेशा स्वेड ही लेना, सिर्फ और सिर्फ कैजुअल चलेगा, ये आपका फॉर्मल लेवल या फिर सेमी फॉर्मल लेवल अचीव नहीं कर पाएगा। बट उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, आपका लेदर ले सकते हैं, बजट नहीं है तो सिंथेटिक ले सकते हैं। बट गाइस हमेशा ध्यान रखना है आपको स्टार्ट हमेशा लेदर से करना है। एक लेदर शू आपके वार्डरोब में पक्का होना चाहिए, खुद देखना उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग गाइस कितना ज़्यादा होगा। देन गाइस आ जाते हैं हमारा वर्सेटिलिटी पे। अब गाइस हमने शूज़ भी सिलेक्ट कर लिए, सब हो गया हमारा, बट स्टिल कंफ्यूज है यार कि बजट कम है क्या ले सकते हैं हम लोग। तो उस टाइम हमारे पास वर्सेटिलिटी आ जाती है कि एक जूता कौन से ओकेजन पे चल सकता है। तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल शूज़ में सिर्फ दो आते हैं हमारे, स्नीकर्स और लोफर्स। इफ़ आप गाइस ज़्यादा कैजुअल हैं, आपको इतना नहीं लगता कि मैं यार थोड़ा मीटिंग्स वगैरह में जाता हूँ या फिर मैं थोड़ा इंटर्नशिप भी कर सकता हूँ अभी इन फ्यूचर पे, तो हमेशा स्नीकर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन। बट वही आपको लगता है कि अब से बाद मेरी शायद फॉर्मल मीटिंग हो सकती है या फिर मेरी शायद इंटर्नशिप भी लग सकती है, तो आपको लोफर्स लेते हैं। दोनों बहुत वर्सेटाइल है, कैजुअल पे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बट यहाँ से जो लेवल आता है मतलब जो स्नीकर्स होते हैं वो हमेशा कैजुअल से लेके सेमी फॉर्मल्स तक आप इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेयर कर सकते हो, बट वो भी बहुत ज़्यादा जगह आपके अलाउड नहीं होंगे। और वही गाइज आप लोफर्स को फ्रॉम कैजुअल टिल फॉर्मल्स वेयर तो कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा कैजुअल नहीं जा सकते। आप खुद सोचिए, दोस्तों के साथ चिल आउट मारे स्कूटी पे, जो हमारे इंडिया में मोस्टली हम टू व्हीलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोफर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, स्नीकर्स अच्छे लगेंगे। और वही आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, स्पीकर्स अच्छे नहीं लगे, लोफर्स अच्छे लगे। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे ट्रेंड। गाइस ट्रेंड के साथ तो किसको चलना पसंद, सबको मन करता है यार ये ट्रेंडिंग चल रहा है ये खरीद लो वो खरीद लो, बट यार हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता कि हर ट्रेंड को फॉलो कर सके। बहुत जल्दी चेंज होता है ट्रेंड, पता भी नहीं चलता कब आएगा कब चला जाएगा, और पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करा देगा आपके। बट ट्रेंड के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज आपको क्या करना है, हमेशा आफ्टर क्लियरिंग अबव पॉइंट्स आपके पास आपका शू आ गया जो आपको चाहिए था, नेसेसरी था, देन पैसे बचे हमारे पास आएंगे, हम ट्रेंड पे खरीदेंगे, देखेंगे, यूज़ करेंगे। हमेशा आपको अपने वार्डरोब, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आउटफिट्स के साथ मैच करना है कि वो ट्रेंडिंग आइटम जो आप खरीद रहे हैं वो आपके जाएगा कि नहीं। सबके साथ जाएगा तो खरीदे, वरना बिल्कुल मत खरीदेगा गाइज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम और पैसे दोनों वेस्ट हुए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, ये थी हमारी लास्ट पॉइंट एंड गाइज इसका वीडियो करते हैं एंड। कैसी लगी वीडियो गाइज बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, इफ अच्छी लगी तो गाइज डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियोज निकालने। एंड गाइज गिव अवेज बहुत चलते हैं वीडियोज पे हमारे, अभी भी नीचे एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखो, हमारी गिव अवे चल रहा है वहाँ पर एंटर करिए एंड गाइज विन अमेज़न वाउचर वर्थ ऑफ 1000। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, चलते हैं।